Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 7th chapter of English grammar subject of standard 8th. And the first part of 7th chapter is about the correct use of verbs. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इंग्लिश ग्रामर के 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो. और 7th चैप्टर का नाम क्या है? द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स. ओके, यानी कि वर्ब्स जो होते हैं उसको करेक्टली आप कैसे यूज करोगे. ओके, शैल वी स्टार्ट द चैप्टर? ओके. समटाइम्स अ सिंगल वर्ब इज रॉन्गली यूज फॉर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो क्या कह रहे हैं कि कितनी बार कैसा होता है कि एक सिंगल वर्ब है, एक ही वर्ब है, उसे अपने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए गलत तरीके से यूज करते हैं. जैसे आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 16. बराबर. तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो चीजें हो रही हैं कि मैं 18 ईयर्स की हूँ और मेरी सिस्टर 16 की है. तो ये यहाँ पे अपने एम लगाया. बराबर, वो तो ठीक है कि एम लगा दिया, पर यहाँ पे और क्या किया कि देखो दूसरा सेंटेंस, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 16. तो ये सही हो गया दूसरा. तो पहला क्यों गलत है और दूसरा क्यों सही है? तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है. किसका डिफरेंस है? वर्ब का, है ना. तो वर्ब है वो पहले में गलत तरीके से यूज हुआ, दूसरे में सही तरीके से. जैसे कि यहाँ पे इज नहीं लिखा है तो गलत हो गया, और यहाँ पे इज लिख दिया तो सही हो गया, है ना. तो वही कह रहे कि एक ही वर्ब है वो दो के लिए एक साथ नहीं लिख सकते हो, दो के लिए अलग तरीके से थोड़ा लिखना पड़ेगा. शी इज बाइंग फ्लावर्स एंड हर फ्रेंड्स रिबन. तो ये गलत हो गया. शी इज बाइंग फ्लावर्स एंड हर फ्रेंड्स आर बाइंग रिबन्स. आर बाइंग लिख दिया तो ये सही हो गया. बराबर, वर्ब क्या है? बाइंग, बाइंग, दोनों एक ही वर्ब है पर सब्जेक्ट अलग अलग है, है ना. यहाँ पे शी है, यहाँ पे उसके फ्रेंड्स है, तो उसके लिए अपने को उसे अच्छी तरह से, सही तरह से यूज करना पड़ेगा. वी कैन यूज टू ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स विथ वन मेन वर्ब ओनली इफ द मेन वर्ब एग्रीज विथ बोथ द ऑक्सिलरीज. तो क्या कह रहे हैं कि अपने दो ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स है वो एक मेन वर्ब के साथ लिख सकते हैं. अगर मेन वर्ब है वो दोनों ऑक्सिलरीज के साथ जाता हो तो ही. जैसे आई नेवर हैव एंड नेवर विल किल अ बर्ड. तो यहाँ पे हैव और विल उस दोनों के साथ नेवर नहीं जाएगा. मेन क्या है? मेन नेवर है, मेन वर्ब, और हैव और विल ऑक्सिलरी वर्ब है. तो यहाँ पे नहीं जाएगा तो गलत हो गया. आई नेवर हैव किल्ड एंड नेवर विल किल अ बर्ड. तो ये सही हो गया, किल्ड लिख दिया, है ना. आई नेवर हैव एंड नेवर विल हर्ट अ बर्ड. तो ये सही हो गया क्योंकि इसमें दोनों के साथ जा रहा है ना. आई नेवर हैव हर्ट एंड नेवर विल हर्ट अ बर्ड. ये भी सही है. इसका मतलब तो यही हुआ ना, नो मदर कैन और विल एवर किल हर ओन चाइल्ड. तो यहाँ पे भी सही है, ऑक्सिलरीज है वो मेन वर्ब के साथ जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि नो मदर कैन किल और विल एवर किल हर ओन चाइल्ड, सही है. अब क्या है, वी कैन यूज वन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब विथ टू डिफरेंट मेन वर्ब्स इफ द सेकेंड ऑक्सिलरी वुड बी द सेम एज द फर्स्ट. तो क्या कह रहे हैं कि अपने एक ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो दो अलग मेन वर्ब के साथ लिख सकते हैं. अगर दूसरा ऑक्सिलरी है वो पहले जैसा है तो ही. जैसे कि 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 फेल्ड. बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सिलरी हैव हो गया. बराबर, ऑक्सिलरी एक ही है हैव, और मेन वर्ब क्या है, पास्ट और फेल्ड है. बराबर, पर दो अलग अलग मेन वर्ब हुए पर दोनों के साथ हैव जाएगा, तो
इसलिए ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 हैव फेल्ड। तो ये हो गया, एक ऑक्सिलरी दोनों के साथ जा रहा है ना। 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड, तो यहाँ पे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों है, दोनों प्लूरल में है, यहाँ पे एक प्लूरल हो गया, एक सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 हैज फेल्ड, ये सिंगुलर है इसलिए, तो सही होगा। अब क्या कह रहे हैं कि अ फ्रेज दैट बिगिंस विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड द पार्टिसिपल फ्रेज। तो क्या कह रहे हैं, वो फ्रेज जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होता है उसे अपने पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। सच अ फ्रेज मस्ट बी इन प्रॉपर एग्रीमेंट विद द नाउन और प्रोनाउन दैट इट क्वालिफाइज। तो ऐसा फ्रेज है वो उसके नाउन और प्रोनाउन जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है उसके साथ सही बैठना चाहिए। जैसे सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो ये गलत है। अपने कैसे लिखना चाहिए, सिटिंग ऑन द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, है ना। तो अगर आप कोई फ्रेज आई एन जी से शुरू करते हो तो उसके साथ उसका जो नाउन या प्रोनाउन है बराबर उसको सही में जाना चाहिए। तो ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो ये सही हो जाएगा, पर ये व्हाइल से शुरू हो रहा है। बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो आउट, गलत। इट बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो आउट, तो सही हो गया। अब क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स, दे कैन ऑफन बी कंफ्यूज्ड। तो अब आप लोगों को एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि नीचे जो ये वर्ब्स हैं उनके बारे में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। जैसे लाई ले लेन, तो इनको कैसे यूज करोगे, शी ले डाउन टू हैव सम रेस्ट, यानी लेटना, तो सही है। शी लेड डाउन टू हैव सम रेस्ट, गलत है। आई वॉन्ट टू लाई डाउन ऑन द ग्रीन ग्रास, सही। आई वॉन्ट टू ले डाउन ऑन द ग्रीन ग्रास, तो गलत है। अब सेकेंड नंबर पे, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है। ले लेड लेड, द हैन हैज लेड नो एग्स टूडे, सही। द हैन हैज लेन नो एग टूडे, गलत हो गया। शी लेड द बेबी ऑन द बेड, सही है। शी ले द बेबी ऑन द बेड, गलत है। टेंस के हिसाब से वर्ब्स को जाना चाहिए, है ना, टेंस के हिसाब से जाना चाहिए और सेंटेंस में भी फिट बैठना चाहिए। हैंग हैंग्ड हैंग्ड, द प्रिजनर वॉज हैंग्ड, सही है। वॉज के साथ तो हैंग्ड ही आएगा, द प्रिजनर वॉज हंग, गलत है। हैंग हंग हंग कैसे आएगा, शी हंग द क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई, सही है। शी हैंग्ड द क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई, तो गलत हो गया। रेज रेस्ड रेस्ड, ही रेस्ड द बेबी अबाउ हिज शोल्डर, सही। ही रोज द बेबी अबाउ हिज शोल्डर, गलत हो गया। अब सिक्स नंबर क्या है, ओवरफ्लो ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड, द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक, सही। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, गलत। बियर बोर बॉर्न, आई हैव बॉर्न मेनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, सही। आई हैव बोर मेनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, तो गलत। तो इस तरह आपको इन सारे वर्ब्स में ध्यान रखना है ना। इन वर्ब्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा पास्ट टेंस में है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। कौन सा सेंटेंस के साथ जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पूरा ये पढ़ लेना है, ओके, और समझ लेना है। बाकी का चैप्टर का बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वंदे मातरम।